माँ है ना आपके पास, भाभी के पास जितना सोना है वो तो आपका ही है ना। भाभी से कोई झूठ मूठ का रिवाज है बोलकर उनसे सारा सोना ले लेते। अरे बहू। जी माँ जी। अरे बेटा तुम ऐसे खाली खाली क्यों घूम रही हो, थोड़ा सच के सवर के चलो, थोड़ा गहने बहने लगाया करो बेटा, अच्छा लगेगा। माँ जी वो मुझे गहनों का इतना शौक नहीं है ना, बस इसलिए नहीं लगाया। फिर भी बेटा तुम नई दुल्हन हो, थोड़ा गहने वहने लगाया करो, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, आप कहती है तो मैं जरूर लगाऊंगी। खुश रहो बेटा। जी माँ जी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। बेटा तुमने दामान जी को फोन किया? हाँ माँ मैंने फोन कर दिया और ये भी बोल दिया कि मैं एक हफ्ते बाद आऊँगी। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक किया तुमने। माँ जी। अरे बहू। अब ठीक है ना बहू? तुम तो बहुत प्यारे लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। अरे वाओ भाभी, इतना सारा सोना, इतने गहने, आप बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर है। आखिर बहू किसकी है? ठीक है माँ जी, तो मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा बहू कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ माँ बहुत प्यारी लग रही है भाभी, बहुत प्यारी लग रही है। अरे बेटा तुम क्या सोच रही हो? अरे माँ कुछ नहीं माँ। अरे बेटा बोलो। अरे माँ। हाँ बेटा। वो भाभी को बहुत सारा सोना मिला है ना उनके मायके से। हाँ बेटा ये बात तो सही है, बहू को बहुत सारा सोना मिला है मायके वालों से। हाँ माँ पर माँ मुझे भी चाहिए सोना। अरे बेटा मैं तुम्हें कहाँ से दूँ इतना सारा सोना, मेरे पास थोड़ी ना है, अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें दे देती बेटा। क्यों नहीं है माँ, है ना आपके पास, भाभी के पास जितना सोना है वो तो आपका ही है ना, क्योंकि वो आपके घर की बहू है। तो माँ आप भाभी से बोलकर मेरे लिए ला दो ना, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए माँ प्लीज। बेटा पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, आप लाकर दो ना मुझे। माँ माँ एक काम करते हैं ना माँ। क्या? भाभी से कोई झूठ मूठ का रिवाज है बोलकर उनसे सारा सोना ले लेते हैं। और वैसे भी माँ आपने ही तो कहा था ना कि भाभी को गहनों का कोई शौक भी नहीं है, तो उनके किस काम का, तो ले लेते हैं ना उनसे सारा सोना। फिर माँ आप आधा रख लेना, मैं आधा रख लूंगी। हाँ बेटा तुम वैसे सही कह रही हो, बहू का जितना सोना है वो हमारा ही तो है। हाँ मम्मी मैं तो वही कह रही थी ना। अब ना चलो कुछ करते हैं। हाँ बेटा कुछ करते हैं। हाँ। भाभी। हाँ खुशी। क्या कर रही हो भाभी? वो खुशी मैं खाना बना रही थी। क्यों कोई काम था? नहीं कुछ खास नहीं। अच्छा भाभी। हाँ आपने माँ को क्या दिया? मतलब खुशी मैं समझी नहीं। आपको नहीं पता इस घर का पुराना रिवाज है, शादी के बाद नई बहुएं सासू माँ को 4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ देते हैं, वो भी सोने का। लेकिन खुशी मैंने तो कभी ऐसा कोई रिवाज के बारे में नहीं सुना। अरे कैसे सुनोगे, ये तो हमारे घर के रिवाज है ना, इसलिए। और हाँ 3 दिन हो चुके हैं भाभी, सिर्फ 1 दिन बाकी है, कहीं देर ना हो जाए। हाँ भाभी आप क्या सोच रही हो, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप माँ से पूछ जाओ। पूछो। नहीं नहीं खुशी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि माँ जी को कौन सा गहना दूँ। भाभी हमारे घर में तो कहते हैं कि जो अपने सासु माँ को ज्यादा प्यार करते हैं वो अपना सारा सोना दे देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ भाभी टाइम नहीं है, जल्दी करना। हाँ। मैं चलती हूँ। अरे बेटा तुम्हें क्या लगता है बहू सच में सोना लेकर आएगी? अरे माँ भाभी को मैंने ऐसा समझाया ना कि वो पक्का लेकर आएगी। बेटा आगे है। माँ जी। अरे बहू तुम? हाँ माँ जी। माँ जी वो मेरे सारे गहने और ये सारे आपके लिए। अरे बहू इसकी क्या जरूरत थी? माँ जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप तो मेरी माँ जैसी हो ना। हाँ बहू हाँ मैं माँ जैसी हूँ, बहू माँ जैसी हूँ। वाह वाह भाभी वाह, मानना पड़ेगा आपको, माँ से आप इतना प्यार करती हो, मान गई भाभी। थैंक यू खुशी। मोस्ट वेलकम भाभी, मोस्ट वेलकम। माँ जी आप ये रख लो। हाँ बहू हाँ
जीती रहो बहू, जीती रहो। ठीक है माँ जी, मैं चलती। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने कहा था ना आपको, बैठो बैठो, मैंने कहा था ना, देखो सारा सोना दी गई। वाह। हाँ माँ देखा, मैंने कहा था ना माँ, सारा सोना लेकर आ गई। देखो आओ बहुत सुंदर है। हाँ, आप आधा रख लेना, मैं आधा लेकर हाँ, चली जाऊंगी। हाँ बेटा, हाँ तुम इतनी समझदार हो गई हो, मुझे गर्व है तुम पर। हाँ माँ, बेटी किसके हो? हाँ मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो। वाह। अरे बेटा क्या हुआ? तुम्हें से अचानक क्या हुआ बेटा? अरे क्या, बोलो बोलो बोलो, बैठो बैठो बैठो, क्या हुआ, रो क्यों रही हो बेटा? पता है माँ, मेरा सारा सोना ले गए। कौन ले गया बेटा, कौन? मेरे सासू माँ। अरे क्यों, क्यों ले गई? माँ वो कहती है तुम इस घर के बहू हो, तुम्हारा सारा सोना हमारा है, ये बोलकर अपनी बेटी को सारा सोना दे दिया माँ। अरे मेरा सारा सोना दे दिया। रो मत बेटा, रो मत, शायद हमने गलत किया इसलिए ये सब हुआ बेटा। माँ आपने सही कहा माँ, हमने भाभी के साथ बहुत गलत किया, हमने झूठ बोल के उनका सारा सोना ले लिया। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसलिए ये सब हुआ। हाँ बेटा। माँ भाभी को भी उनके माँ बाप ने कितना प्यार से दिया होगा ना, और हमने क्या किया, हमने झूठ बोल के सारा सोना उनसे छीन लिया माँ, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा सारा सोना लेकर अपनी बेटी को दे दिया। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत गलत किया तुम्हारे भाभी के साथ। हमने बहुत गलत किया। अरे खुशी क्या हुआ? भाभी क्या हुआ खुशी? भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे भी माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई है। भाभी हमें माफ कर दो भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपसे झूठ बोलकर आपका सारा सोना ले लिया था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था भाभी। हमें समझ गई थी, फिर भी मैंने आप लोगों को दिया था। पर भाभी क्यों? क्योंकि मैं माँ जी और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने दिल से दिया था भाभी। पर अभी हुआ क्या वो तो बताओ। भाभी वो सोना ना मेरी सास ने अपनी बेटी को दे दिया। क्यों, वो क्यों देंगी अपनी बेटी को, वो तो मैंने आप लोगों को दिया था ना। हाँ भाभी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सासू माँ से बात करूँगी। नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए सोना, बस आप मुझे माफ कर दो। हाँ बहू हमें माफ कर दो। अरे माँ जी जाने दो, कोई बात नहीं, और खुशी वो सोना मैं वापस लाऊंगी और फिर से वो सब तुम्हारा होगा। अभी आप कितनी अच्छी हो। हाँ बहू तुम बहुत अच्छी हो। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप ही तो मेरे परिवार हो।